मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को उड़ीसा में सुंदरगढ़ लोकसभा के अंतर्गत बगडेगा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का चुनाव है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा भाजपा के संकल्प पत्र पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ भी किसानों को उनके धान की 3100 रुपए कीमत दी जाएगी। आज धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ उदाहरण बनकर सामने आया है। ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ की तरह यहां भी माताओं को महतारी वंदन जैसे सुभद्रा योजना से आर्थिक मदद की जाएगी। और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इतनी धूप में, 42-43 डिग्री धूप में आप सब लोग भारी संख्या में इस चुनावी सभा में आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप लोग आज हम लोगों का भी आत्मीय स्वागत किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, आप लोगों का धन्यवाद। मैं आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। आप सभी लोगों को मैं जोहार करता हूं। और हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है रायगढ़, जहां से हम 4 बार सांसद थे, आपके सुंदरगढ़ लोकसभा से लगा हुआ है। और अभी हम जहां से विधायक हैं, कुनकुरी से, वो कुनकुरी विधायक विधानसभा भी आपके इस संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ है। लवाकेरा हमारा आखिरी गांव है छत्तीसगढ़ का, जो आपके उड़ीसा से लगा हुआ है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध है। कुनकुरी से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सटा हुआ है। और पहले हम लोगों का देवभोग है छत्तीसगढ़ में, आपके यहाँ जो पूरी धाम में महाप्रसाद जो बनता है, पहले वहां का चावल आता था, आज पता नहीं आता है कि नहीं, वहां का चावल, इसलिए वो जगह का नाम देवभोग पड़ा। वहां का चावल आपके पूरी धाम में महाप्रसाद बनने के लिए आता था। और भगवान जगदीश जगन्नाथ भगवान आज छत्तीसगढ़ में भी उतने ही पूजनीय हैं। आज हमारे विधायक जी रायपुर में जगन्नाथ मंदिर बनाए हैं, पुरंदर मिश्रा जी। और जब रथ यात्रा होती है तो 15 दिन तक हमारे छत्तीसगढ़ में भी गांव गांव में रथ यात्रा होती है। तो इतना आत्मीय संबंध छत्तीसगढ़ का उड़ीसा से है। और मैं क्षेत्र में बहुत बार आया हूं। शंकर भाई हैं, जब मैं केंद्र में मंत्री था 2014 से 19, स्टील मंत्री माइंस भी हमारे पास था, तो हम बीरमित्रापुर आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और आपके जो इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं शंकर भाई, बहुत दिल्ली आते थे समस्या को लेके। उस समय शायद आप पूर्व विधायक थे, अब विधायक भी नहीं थे, पूर्व विधायक थे, लेकिन उस समय भी क्षेत्र की जनता का चिंता करते थे। बीरमित्रापुर का जो माइंस वगैरह बंद पड़ा था, वहां कई वर्षों से पैसा वैसा नहीं मिला था, वो सब के लिए दिल्ली आए थे और वो सब का समाधान हम लोग किए थे। तब से आपके क्षेत्र में हमारा आना जाना लगा है। और आज तो हम ये आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि अभी का ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? सहमत है ना? तो हाथ उठाइए, दोनों दोनों हाथ।
माता जी लोगों की तरफ से भी चले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे देश का सौभाग्य है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो गरीब है वही गरीब का दुख तकलीफ को समझेगा जानेगा, है कि नहीं। और इसीलिए मैं मोदी जी के विषय में जिक्र कर रहा हूँ। आज पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। 10 साल उनका काम को देखे हैं ना आप लोग, 10 साल गरीबों के लिए काम किए हैं ना, गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना में माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, घर घर बैंक का खाता खोलने का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, ये सब मोदी जी कर रहे हैं ना। लेकिन आपके उड़ीसा में उसका लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। कहे कि यहाँ 24 साल 25 साल से यहाँ बीजेडी का सरकार है, बीजेडी का। आज केंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए करना चाहते हैं उसका ठीक से लाभ उड़ीसा में नहीं मिल रहा है। आज गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख की व्यवस्था है और जब से ये व्यवस्था हुआ है गरीब लोग भी प्राइवेट अस्पताल सब में इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली है, आज मैं 5वां दिन घूम रहा हूँ आपके उड़ीसा में, 4 दिन पहले आ चुके हैं, नौरंगपुर लोकसभा, कोरापुट लोकसभा, कालाहांडी, बलांगीर, बरगढ़, सुंदरगढ़ भी आए थे, आज फिर सुंदरगढ़ लोकसभा में आए, आज 5वां दिन है। सब जगह बता रहे हैं कि आयुष्मान भारत का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। बीजू स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ की सरकार चालू की है लेकिन उसको प्राइवेट अस्पताल मानता नहीं है, तो इस तरह से केंद्र की योजना का लाभ यहाँ पर मिल नहीं रहा है। और इसलिए डबल इंजन की सरकार बनाना पड़ेगा, दोनों जगह एक पार्टी की सरकार रहेगी तो केंद्र की योजना का भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ जो सरकार भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी की है उसका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। मैं आज डबल इंजन की सरकार रहने से क्या फायदा होता है वो बताने आया हूँ। अभी 2023 के चुनाव में मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास की और 5 साल जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, जो 5 साल खाली लूटने का काम किया, केंद्र की योजना को भी लागू नहीं किया, उसको उखाड़ के फेंक दी। और आज हम लोग 100 दिन में 4 महीना में ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हम लोग वहां पर किए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं, 24,72,000 से ज्यादा किसानों का धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल में खरीदे हैं और उसका पूरा कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दे दिए हैं।